जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड अगर ऊपर वाला किसी चीज में डिले कर रहा है ना, तो शायद आपके लिए और कुछ अच्छा होने वाला होगा। कैन आई से मानसी, ये उस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है। ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत है आज आपका इस सेशन में, जहां पे हमारे साथ है रैंकर साहिबा, ऑल इंडिया रैंक 3 ऑफ नवंबर 22 अटेम्प्ट, सीए मानसी अग्रवाल। वेलकम अबोर्ड मानसी, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ही स्पेशल लग रहा है, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। तो एक कहावत है जो आप लोग सब लोग ने सुनी होगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड अगर ऊपर वाला किसी चीज में डिले कर रहा है ना, तो शायद आपके लिए और कुछ अच्छा होने वाला होगा। कहना इसे मानसी, ये उस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है, राइट? May 22, आज भी मुझे याद है, मानसी का मेरे को कॉल आया था एंड शी वॉज लाइक के सर मेरा है ना एक ट्रेजेडी हो गया है, 8 दिन की वजह से मेरा आर्टिकलशिप की वजह से मेरा अटेम्प्ट मेरे को डिले करना पड़ रहा है, तो अब मैं क्या करूं? बोला ठीक है, देख अभी काम डाउन हो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है किसी के हाथ में है नहीं। उसने बोला कि सर कुछ हो सकता है क्या, 7-8 दिन की बात है। मैं बोला देख भाई, सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का बच्चा हुआ तो भी कुछ नहीं हो पाएगा इस केस में, बिकॉज जो प्रोसीजर है वो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। बट लेट्स फोकस, एंड एक बोलते हैं ना, मैं हल्के में ऐसे बोलते हैं कि प्लीज ट्राई टू गेट अ रैंक, कि अब अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो, एंड बोलते हैं ना कि कभी कभी ऊपर वाला अपनी सुन लेता है और बोल देता है तथास्तु, एंड मानसी उसका जीता जाता उदाहरण है। सो मानसी, प्लीज टेक अस थ्रू दैट, के क्या फीलिंग था जब अटेम्प्ट स्किप करना पड़ा और आज ऑल इंडिया रैंक 3, प्लीज टेक अस थ्रू दैट। सर बहुत ज्यादा उस दिन आई वॉज लिट, जितना इस बारी मैं हंसा हूँ उससे ज्यादा मेरे को उस टाइम पे रोना आया था। बिकॉज मेरे को हमेशा से था May 22 में बोथ ग्रुप करना ही करना है, ठीक है, May 22 में सीए बनना है। बट मेरे लिए तो एकदम ऐसा हो गया कि एग्जाम में बैठने ही नहीं मिला मेरे को, उससे पहले ही फेल का रिजल्ट आ गया, ऐसा था। बट माई सिस्टर वॉज सेइंग कि तेरे को अब एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, आई नो तेरे को कुछ अच्छा ही होगा। और आपने ना उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, मुझे याद है, किसी कंपनी के बारे में कि वहां पे एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई स्टोरी थी, तो आई रिलेटेड दैट। तो उसमें ऐसा था कि हाँ मेरे को अब मिला है टाइम तो मुझे एक्स्ट्रा डाल के अब रैंक लेके आनी है, भले ही अभी तक मैंने कभी माइंड में ऐसा रखा नहीं कि रैंक आएगी आएगी, बट अब थोड़ा प्रेशर भी मैंने फील किया और मैंने हमेशा से ये ट्राई किया कि और उससे ज्यादा टाइम मिला है तो अब तो रैंक ला के रखनी है। तो बस मैंने एफर्ट्स डाले अपने, एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी का टाइम मिला तो उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। मेरे को ऐसा नहीं था कि अब टाइम मिल गया है कि एक महीना मैं पार्टीज वगैरह कर दूं, नहीं किया, कंटिन्यूअस मैंने रखा। थोड़ा टाइम आर्टिकलशिप रिज्वाइन करना पड़ा, वो तो हमें देना ही पड़ता है, उसे करा। उसके बाद मेरा जितना भी टाइम था फिर से शेड्यूल बनाया और मैंने ना काउंट नहीं किया जितना मेरे पुराने रिविजन हो चुके थे, मैंने उसे काउंट नहीं किया। मैंने फिर से फर्स्ट ही रिविजन काउंट किया कि अब मैं इसको November 22 के लिए और क्या बेटर कर सकती हूँ, जो मेरी पास्ट मिस्टेक थी उसे सीखा और फिर बेटर और किया, और फाइनली रिजल्ट मेरे को देखने को मिला राइट, वाओ। सिंगल डिजिट रैंक। सो गाइस, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आई मीन आई डोंट नो क्या होता रिजल्ट, बट May 22 में देती तो एटलीस्ट IR3 तो लेट्स बी ऑनेस्ट नहीं आ पाता। एंड नहीं आ ये पाता जो सर, एक मैंने सीखा है कि जितना आप ब्रश अप करते हो ना योर कॉन्सेप्ट्स, तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मेरे को एग्जाम से पहले उतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि हाँ अब दे सकते हैं अपन, बहुत अच्छे से दे सकते हैं एग्जाम। परफेक्ट परफेक्ट। सो इफ यू डोंट नो, AIR3 डायरेक्टली मानसी को आया है सीए फाइनल में, इंटरमीडिएट में उसको कोई रैंक नहीं था, सीए फाउंडेशन में रैंक नहीं था। सो इंस्पिरेशन इज व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम हर। अगर किसी को ऐसा देखना है कि सपोज कोई दोनों ग्रुप में क्लियर नहीं हो पाया, तो मानसी इज एज गुड एज दैट ओनली, राइट मानसी? उसने भी May 22 देने वाली थी, नहीं हो पाई, वैसे ही हम लोग देख लेते हैं, एंड वाओ बैक विद अ बैंग, सो ग्रेट। सो अब थोड़ा सा अपन लोग SCFB के ऊपर आते हैं मानसी, एंड फिर बाद में थोड़ी जनरल डिस्कशंस भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, 76 मार्क्स, मेरे को अभी भी याद है एग्जाम के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज कॉल, इंक्लूडिंग तेरा भी कॉल मुझे याद है आया था कि सर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ हमारा, तो 75 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो तूने कॉल तभी निकल के क्या सोच के किया था, एंड कितना अटेम्प्ट हुआ, ऑल ऑफ दैट, टेक अस थ्रू द जर्नी।
सर मैंने निकल में मेरा था कि आपसे मैं स्टार्टिंग से टच में था कॉल, करेक्ट, एक आपकी टीचर है जिनसे मेरी कॉल तो आई थी और एक अजय अग्रवाल सर से हुई थी बिकॉज मैंने उनकी टेस्ट सीरीज ली थी। तो राइट मेरा राइट, था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैंने सर के मतलब जितने उन्होंने एफर्ट डाले अगर उतना मैं करके आ पाया तो मैं डेफिनेटली कॉल करके उन्हें बताऊंगा। तो पेपर देख के तो आई वॉज सो हैप्पी कि इतना अनएक्सपेक्टेड था। कॉस के पेपर में बिल्कुल डिक्टो डिक्टो क्वेश्चन अगर उठ के आ जाए तो एक मिराकल ही है आपके लिए। तो मैं बहुत ही खुश था, जहाँ सारे बच्चे बोल रहे थे बहुत टफ पेपर है, टफ था पेपर नो डाउट बहुत टफ था, बट अगर आपने अग्री, सारी चीजें करी हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट बहुत लेंदी भी था, बहुत ज्यादा राइट, लेंदी था, मैं लास्ट मिनट तक लिखे जा रहा था बट आई अटेम्प्टेड 100%। उसकी हैप्पीनेस अलग ही थी। निकलते ही मैंने आपको कॉल किया कि सर मेरे को इनफैक्ट क्वेश्चंस तक याद थे कि यहाँ से उठ के आया। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं चला था, बजटरी कंट्रोल से आया है और करेक्ट मुझे एकदम स्ट्राइक हो गया था कि वो वाला एयरलाइन वाला क्वेश्चन को इन्होंने होटल में कन्वर्ट करके करेक्ट दिया। तो करेक्ट मैंने आते ही आपको बताया था सर ऑप्टिमाइज से एक एक क्वेश्चन उठ के आया है और मैं राइट, 100% करके आया हूँ। तो आई एम सो हैप्पी कि आपने ऑप्टिमाइज एकदम कंपाइल इस तरीके से कर रखी है कि नो क्वेश्चन इज लेफ्ट। सुपर। बट अब स्टूडेंट लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि सर यार इतना सारा बुक कौन पढ़ेगा। तो देखो, कौन पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। ऑल इंडिया रैंक 3, 76 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट जहां पे अपन सबको पता है मेजोरिटी लोग क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। सो एफर्ट्स है और उसका रिजल्ट अपने सामने दिखता है। सो कितनी बार तूने ऑप्टिमाइज किया था एंड क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव ले। सर मैंने रिवाइज तो मैंने बहुत ज्यादा बार किया है, 5 टाइम्स मैंने ऑप्टिमाइज किया इतनी मोटी बुक। बट इफ आई से कि 5 टाइम्स, अब बच्चे सोचेंगे ये इतनी मोटी बुक 5 टाइम्स कर कैसे सकती है। आपको थोड़ा अपने दिमाग के साथ खेलना है। फर्स्ट टाइम पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, स्टार्टिंग वाले भी और एंड वाले भी। बट सर ने उसमें एक स्टडी मेंटर बना के दे रखा है, स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसे करेक्ट, आप केवल फर्स्ट रीडिंग में लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। उसके बराबर, बाद आपको जो सेकंड रिवीजन से वो स्टार्ट करना है और फिफ्थ रिवीजन तक जाना है, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो कम होते जाएंगे और प्रैक्टिस अगर आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी आपकी। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन एक तो सर ने उसमें लिख रखा है ये कौन से अटेम्प्ट में आया था, ये करेक्ट, केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस सिनारियो का क्वेश्चन है, तो हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं ना इतनी तो कि दूसरे बारी में हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको राइट, हमेशा एकदम स्मार्ट वर्क करके चलना है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, स्मार्टली प्ले भी करना है। तो मैंने इसीलिए किया था कि 5 टाइम्स बुक करी थी, बट वो इतनी मोटी बुक दिखती है उसमें से सारा का सारा नहीं पढ़ना होता, उसमें थ्योरी भी है आपकी। और थ्योरी के लिए तो सर ने एक छोटी बुक बनाई रखी है मैजिक बुक, तो आपको करेक्ट, उसमें से अपने पॉइंट्स देखने हैं और उस पॉइंट्स के अंदर का जो मेन पार्ट देखना है वो केस स्टडी से कनेक्ट करो बिकॉज आपको करेक्ट, केस स्टडीज रहेंगी एग्जाम में। करेक्ट, सर का तो है बुक उन्हें बनाना है स्टडी मटेरियल के जैसी, बट स्टडी मटेरियल में भी आपको सारा थ्योरी नहीं पढ़ के जाना होता, आपको मेन पॉइंटर्स पढ़ के जाने होते हैं बिकॉज वही आपको एग्जाम में रिकॉल होंगे, पूरी एक लाइन याद नहीं हो नहीं सकती हो है। पाती। तो मैंने जैसा ये जैसा मानसी ने कहा दैट स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हार्ड वर्क तो करना ही है, पुट अप डेफिनेटली 12 to 14 आवर्स का जो अपना एक शेड्यूल रहता ही है, 4 to 5 months लास्ट के जो होता है वो तो है ही। उसके अलावा स्मार्ट वर्क इज वेरी मच नेसेसरी। सो स्टार्टिंग के जो पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिविजन में क्लियर हो गए, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए, उसके बाद में सेकेंड रिविजन में आप उसको स्किप कर सकते हो। फिर हाँ सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन में आप सिलेक्टिव होते जाके एंड यू कैन इजिली मैनेज इट, राइट। या सर, सो तुमने इनफैक्ट मैंने तो रिविजनरी वीडियो को भी आपकी शॉर्ट कर दिया था ऑलरेडी, वो वाह, 1.5 घंटे की है इजी बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बहुत एक्सप्लेन करते हो कि बच्चा राइट, कनेक्ट करे, तो वो फर्स्ट 2 टाइम्स देखी। बट एग्जाम से पहले जिन चैप्टर्स की मेरे को वीडियो देखनी थी ना उसमें बस फॉर्मूला फॉर्मूला देखा जहाँ पे आप रिकॉल करा रहे हो हमारे, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कि आप इधर से इधर उधर हमें देखनी है इतने इतने टाइमिंग में। तो राइट, ये सब प्लानिंग तभी होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स देखोगे, अगर आप ट्रू, एग्जाम से पहले दिन ही देखने बैठ रहे हो या 2 ही रिवीजन करके जा रहे हो तो वो नहीं समझेगा नहीं हो आपको, पाएगा, भरा सारा ही सिलेबस लगेगा कि बहुत राइट। सारा। तो अब ये बड़ा सारा सिलेबस को ऑब्वियसली मेंटली तूने भी इसको शॉर्ट कुछ किया होगा, हाँ सो वो क्या अप्रोच था तेरा? सर, मेरा ऐसा था कि पहले मैंने क्लासेस कंप्लीट करी थी कोविड करेक्ट, के टाइम पे, फर्स्ट राइट कोविड में क्लास ले ली थी। राइट अब राइट, जब मेरा May 22 अटेम्प्ट आने वाला था तो मेरी कॉस्टिंग भी, मैंने बस ये था कि उस टाइम क्लास ली रिवाइज करके छोड़ दिया था क्योंकि और क्लासेस भी लेनी थी, अब हो गया करेक्ट, सिलेबस पूरा का पूरा चेंज। तो मेरे को इतना डर था कि अब कैसे करना है, कॉस्टिंग ये फोबिया सब्जेक्ट ना बन जाए, ये नहीं ट्रू सही है था कि Group 2 लुढ़क जाएगा हमारा। ट्रू ट्रू तो ट्रू, मैंने बहुत ही सही टाइम पे डिसीजन ले लिया था, मैंने आपसे बात करी कि मैं राइट, सर फास्ट ट्रैक के लिए जाऊं या नहीं जाऊं, तो जनवरी का टाइम था, मेरी इलेक्टिव पेपर की भी क्लास चल रही थी। तो आपने बोला मानसी अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल सकते हैं तो इस टाइम पे आप ले सकते हो क्लास, अदरवाइज ऑप्टिमाइज भी ले लोगे तो भी इनफ होगा। बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी टाइम है, इसको फोबिया सब्जेक्ट नहीं बनने देना, मैंने फास्ट ट्रैक ले लिया। और सर मैंने 15 डेज के अंदर ही
पूरी फास्ट ट्रैक बैच खत्म कर दिया था और क्वेश्चंस भी करे थे सारे के सारे, बिकॉज सुपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे. बस ये करेक्ट था कि मेरे को फिर से कनेक्शन मिल गया एक, और पूरी ऑप्टिमाइज न्यू वाली मिल गई जिसमें सारे क्वेश्चंस एक साथ है. मुझे केस स्टडी, केस बिल्कुल, सिनेरियो और और कुछ करने की स्टूडेंट जरूरत जर्नल के क्वेश्चन इधर उधर देखना ही नहीं पड़ा. मेरे को हमेशा से रहे कि क्रिस्प होना चाहिए सारी चीजें, इधर बराबर उधर जितना फैलाएंगे ना उतना माइंड कंफ्यूज होता है. तो मैंने करेक्ट यही किया, फास्ट ट्रैक निपटा ली. अब May 22 वाला अटेम्प्ट तो हमारा हो नहीं पाया, तो अब उसी को क्या करना था, ब्रश अप करना था. तो वो फर्स्ट रिविजन मेरा, मैं तो फास्ट ट्रैक वाला ही मानूंगा क्योंकि क्लास वाला तो मेरा चले गया था. ट्रू बट ये ट्रू है, फास्ट ट्रैक मेरी 15 डेज में इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ढंग से कर ली भी थी, थी करेक्ट ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था फास्ट ट्रैक के. फिर अब जब May 22 के बाद 4 रिविजन और मारे ना मैंने, तो ये मैं रिविजनरी वीडियोस आपकी आ चुकी थी, मैजिक बुक रिविजन में भी हो करेक्ट चुकी थी, उसके करेक्ट साथ साथ देखा. मैं हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता था तो मैं अपने दिमाग के साथ तो यूज करता था, मतलब मेरे को जिसमें ज्यादा बूस्ट हो रहा है ना करके वाला चैप्टर से मैं स्टार्ट करता था. मैंने कभी स्टार्टिंग रिविजन में ABC एनालिसिस फॉलो नहीं किया, जो ओके बच्चे करेक्ट जनरली करते हैं. वो हमेशा एक कैटेगरी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वो हमारे में आ जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लीड करेक्ट सिस्टम, वो करेक्ट थोड़े से ट्रिकी है. उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी ज्यादा है. तो आप थोड़े ऐसे चैप्टर्स के साथ जाओ जो आपको कॉन्फिडेंस दे, फिर उसके बाद बीच में उन्हें चूज करो करेक्ट ताकि आपको ना बूस्ट मिल जाए. मैंने हमेशा 3rd रिविजन तक ऐसे किया है. 4th 5th रिविजन में मैंने ABC एनालिसिस यूज किया है, क्योंकि अब अगर हम सी कैटेगरी को स्किप भी करते हैं ना तो हम ऑलरेडी 3 बार कर चुके हैं, वो एग्जाम में हमें डेफिनेटली रिकॉल हो जाएगा. और ऐसे ही मैंने ना एग्जाम प्रिपरेशन में भी किया. मैंने ओके अपना राइट 1.2 डेज मिले थे, मैंने पहले ही अपना प्लानर बना लिया था कि पहले दिन मैंने कौन से टॉपिक्स करने हैं और सेकंड डे कौन से टॉपिक्स करने हैं. ओके एक एक्सेल शीट बना ली थी मैंने, राइट राइट और मैंने सर बस मैं बहुत लकी बोलूँ या क्या बोलूँ, मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी. मैंने बजटरी कंट्रोल हो गया, मॉडर्न एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हो गया. ये बजटरी कंट्रोल बिकॉज ऑफ सी कैटेगरी एंड मॉडर्न एनवायरनमेंट मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगता था, उसमें बहुत थ्योरी है. तो मैं सुबह सुबह जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन पढ़ के गया था, एंड उसी के अंदर से 50 नंबर का पेपर आ गया. बट एग्जाम के तो दिन पे तो बजटरी कंट्रोल कौन पढ़ना चाहेगा, क्योंकि लगेगा अरे ये तो सी कैटेगरी का है, छोड़ो यार क्योंकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट वही, करते हैं। लेकिन सर यही तो है ना, ICI के लिए कोई ABC एनालिसिस नहीं करेक्ट है. एग्जैक्टली ICI हमेशा एक ऐसा चैप्टर उठाता है जो कि अभी तक उसने इतने ज्यादा वेटेज के लिए नहीं पूछा है, जितना मैंने अभी तक ट्रेंड एनालिसिस के लिए. एकदम सही बोला तूने भाई, अपन शेर है तो ICI सवा शेर है, सो उसको हाँ, पता है अपन जो कहाँ जो पे पेन पॉइंट ट्वेंटी है। ट्वेंटी मार्क्स के लिए एवरेज पेपर क्वेश्चन पूछते हैं ना जिस चैप्टर से, वो तो आएगा ही आएगा हमेशा, मैंने ये देखा है. और जो अभी तक 0 या 5 पे चल रहा है ना, वो अचानक से उसे 40 पे ले जाता है या 30 पे ले जाता है, राइट 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 कॉस्टिंग में राइट हमेशा. और इस बार भी मेरे को ओके इंट्यूशन ऐसी है, फर्स्ट चैप्टर आज तक उसने इतने ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा, और वो पक्का पूछेगा एक सो दो जन में. May 23 स्टूडेंट्स वालों, AIR 3 का आ गया है एक रिकमेंडेशन, Chapter Number 1 से ये बार इंस्टीट्यूट पूछने वाला है, सो प्लीज उसको बराबर से करके जाइएगा, बिकॉज शी इज राइट। लास्ट कुछ अटेम्प्ट से उसमें से नहीं पूछा है तो वो इग्नोर हो जाएगा, चैप्टर भी छोटा है, बट जैसा हाँ, 1 November 2022 में बजटरी में इंस्टीट्यूट ने छप्पर फाड़ के पूछा, यू कैन एक्सपेक्ट दैट इन और चैप्टर सर वन। एक दो उसमें क्वेश्चंस हैं भी ना, ऐसी केस स्टडीज हैं जिसमें अगर आप देख के नहीं गए ना तो यू विल नॉट बी एबल टू नॉट बी एबल अटेम्प्ट टू एनी. अटेम्प्ट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। यार देख Question Number 1 जो जो November 2022 का था, वो हाँ, तो लोगों को यही नहीं समझा कौन से चैप्टर से है, कौन से चैप्टर्स से तो है अगर आप वो नहीं पढ़ के जाओगे बजटरी कंट्रोल से वो एयरलाइंस वाला, तो देन यू नॉट नहीं. बी एबल टू रिकलेक्ट। या राइट राइट तो यही राइट सारी चीजें मैंने फॉलो करी थी, और एंड तक मेरे को कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया था चैप्टर वो सब्जेक्ट पे. बट ऐसा ही था कि अगर आउट ऑफ बॉक्स आया तो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स आएगा, हम एक दिमाग लगा के अटेम्प्ट करके आएंगे. करेक्ट जनरल जो कॉन्सेप्ट है केस स्टडीज में वो लिखो, कनेक्ट विद द केस स्टडी एंड देन कंक्लूजन. बहुत परफेक्ट ज्यादा उसमें लिख के भी नहीं, बच्चे ना बहुत जनरल आंसर लिखाते हैं कि बस कॉन्सेप्ट लिखा है. कॉन्सेप्ट केवल लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, राइट आपको लिंक करना पड़ेगा केस स्टडी के साथ, तब नंबर मिलेंगे. बराबर। सो टेक्निकल वर्ड्स याद रखे थे तूने, या फिर हाँ कैसे कि रिवीजन से याद होते गए, व्हाट वाज इट? हाँ सर, टेक्निक हमने को तो लास्ट डे तक ऐसा लग रहा था इतनी सारी थ्योरी है, मानसी तुझे याद है भी कि नहीं है वर्ड. बट सर यही तो कॉन्फिडेंस अपने पे आता है मल्टीपल रिवीजन से. जब आप मल्टीपल करेक्ट रिवीजन करोगे ना तो आपके मुंह पे वो लैंग्वेज फिट हो जाती है, और आप बराबर। खुद हाँ रियलाइज नहीं करते, वो आपके पेपर में दिखता है व्हेन यू राइट. मतलब कहने से सबकॉन्शियसली जितना आप रिविजन करते जाओगे स्टोर हाँ होते जा रहा सर यही, ये आपने सबकॉन्शियस वाली बात बहुत बारी बोली थी वीडियो में कि है। राइट ट्रस्ट मी कि ये फिट हो रहा है कहीं ना कहीं, आपको रियलाइज नहीं हो रहा. तो मैंने बस वही किया, मैं करते गया और एग्जाम में मुझे दिखा वो कि आई एम एबल टू राइट. तो इसके लिए क्या करना है, एक दो टेस्ट सीरीज लगा लो, उससे आपको पता चल.
जाता है कि केस स्टडीज अटेम्प्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व करके आते हैं, बट केस परफेक्ट स्टडीज ना खुद से, अगर सर उसमें आपने गैप भी दे रखा है हमें बुक में कि राइट, आंसर लिखो और अपना शॉर्ट हमें भी समरी में दे कुछ दो, बट लिखना नहीं होगा। करते, मैंने भी नहीं किया था। हाँ हम नहीं करते हैं उस टाइम पे, हम सोचते हैं कोई बात नहीं रीड कर लेते हैं, आंसर सर ने दे तो रखा ही है। लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज देने बैठते हैं ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने 3 घंटे के लिए दे रहा हूँ उसे, अपने स्टडी प्लान से हटा के मैं 3 घंटे करेक्ट अगर दे रहा हूँ करेक्ट तो आई हैव टू गिव इट बेस्ट। करेक्ट इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी कि करेक्ट उसमें हम थोड़ा लॉयल होके अपने साथ हम लिखें और हमें पता चले कि कहाँ कहाँ हमें मार्क्स मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं मिल रहे हैं। मेरे को तो टेस्ट सीरीज में 50 मार्क्स आए थे कॉस्ट में। वाह। और यहाँ पे सीधा 1.5 मार्क टाइम्स हाईएस्ट। हाँ तो सो उससे मेरे जब को अपनी मिस्टेक्स पता चली थी सर, बहुत ज्यादा। सही बात है, सो जब तू पढ़ रही थी तो 2 रिवीजन हो जाता है उसके बाद, तो एक बार लगता है ना कि यार चलो अभी 2 बार कर लिया, अभी कौन करेगा वापस से यार, वो एक थोड़ा नहीं कंप्लेसेंसी सर बोलो या बोरिंग बोलो, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर वही तो, एक मोटिवेशन चाहिए सीए के लिए। हमें भी पता है, मेरे को पता था कि ये 2 रिवीजन से ना कुछ नहीं होना, हम थक जाएंगे, और वही तो कुछ एक्स्ट्रा करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, जो सब नहीं करेंगे। करेक्ट करेक्ट, कहीं ना कहीं तो तो एक्स्ट्रा एफर्ट वो एक डालना ही है। कंफर्ट जोन को तोड़ना है, क्योंकि देख 2 रिवीजन तो आई एम श्योर एटलीस्ट हर आदमी करता ही है, बट सभी दैट्स करता वेयर है, सभी वो करता है। कंफर्ट जोन के बाहर जो तोड़ता है ना उसको 3-4 करके। हाँ और सर ये बच्चे माने या ना माने, मेरे को तो ना खुद से खुशी होती थी कि यार ये कर लिया, आज पूरे दिन ये टारगेट रखा था, ये तीसरी वाह बार ही कर लिया, जो हमने खुद इमेजिन नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉस्टिंग का सिलेबस या डीटी इतने बड़े बड़े ये सब्जेक्ट से इन्हें 1.5 डे में रिवाइज भी कर, क्योंकि स्टार्टिंग में हम देते हैं 7 दिन 8 दिन, मतलब इतने ज्यादा ज्यादा दिन, और फिर 1.5। बट वो होता है, वो हो जाता है, आपको खुद ही बिलीव नहीं होता कि हमने कर लिया। ये एक मोटिवेशन वाली बहुत बहुत सही कही मानसी ने, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग में अपना दिन चालू करता हूँ तो एक टारगेट रखता हूँ, और जब वो हो जाए ना तो अपने हाँ आप को कुछ ना कुछ बोलते ना, ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है, तो ऐसा दिया कुछ या छोटा बहुत अपने आप को खुशी देते रहते, सो मैं इट तो इज डेली वर्थ। अपनी एक्सेल शीट हाईलाइट करता था, आज ये वाह, हो गया, आज ये वो हो एक जब गया, वो और टिक वो बहुत स्टडी अच्छा। वेंटर में टिक आ जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ हाँ बहुत राइट राइट। सो ये एक्चुअली ये छोटी छोटी बातें बट ऐसे ही बिल्डअप होता ऐसे है। ही होता है लाइफ। करेक्ट ओके। सो अब जब अपना डिस्कशन चल रहा था तो तूने वो 11 चैप्टर्स को कैसे डिवाइड किया एंड उसका क्या हाँ कैसे किया था वो बता। सर 11 चैप्टर्स को मैंने बताया, मैंने अपने जो जिसमें मेरे को कंफर्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद बजटरी कंट्रोल, देन प्राइसिंग डिसीजन, देन टीपी। पहले दिन पहला ऐसे डिवाइड कर लिया, कितने कितने, पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट रिवीजन में दिन रखे थे इनके लिए कि एक राइट एक दिन देना है, फिर इसके लिए 2 दिन देने हैं ऐसे। उसके साथ साथ मैं इलेक्टिव पेपर कर रहा था अपना, ठीक क्योंकि है स्टार्टिंग रिवीजन में मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलता था, बाद में मैंने सिंगल सब्जेक्ट आया। सिंगल सब्जेक्ट का फायदा ये होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट चैप्टर के साथ साथ एक कनेक्ट करने को मिलता है। राइट जब हम 2 सब्जेक्ट चलाते हैं ना, तो स्टार्टिंग के लिए सही है ताकि जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए दोनों सब्जेक्ट, लेकिन बाद में आपको एक पूरा लगाना रहता है, 1 गो में कंप्लीट करना रहता है, चाहे 5 दिन दो या 6 दिन दो। आपको ये समझ में आता है कि जब हम एग्जाम में करेंगे ना 1.5 डे, तो आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ बहुत ट्रू ज्यादा, तो आपकी ट्रू ये प्रैक्टिस डेवलप होती है। तो इसी तरीके से मैंने ये किया, ये 3 चैप्टर्स कर लिए, फिर अब 2 मेजर चैप्टर उठाए जो एवरेज 20-20 मार्क्स वाले हैं, वो परफॉर्मेंस थोड़े से मेजरमेंट टाइप। टिपिकल भी। हाँ, वो थोड़े से टिपिकल भी जाएंगे। अब उनमें क्या करना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत इजी चैप्टर है, उसमें बस नॉन फाइनेंशियल वालों को मैं आपकी वीडियो से कर लिया बढ़िया तरीके से, एंड देन अब फाइनेंशियल वाले में तो हम बढ़िया है, प्रैक्टिकल उसमें तो है ये हम पार्ट। डायरेक्टली ट्रू क्वेश्चन भी करेंगे तो कर लेंगे। तो ट्रू ट्रू फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल वालों को मैजिक बुक से एकदम अच्छी से ग्रिप बना ली, सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो भी हैं, करेक्ट अब वो पढ़ने के बाद मैजिक बुक से रिविजनरी वीडियो देखने के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे में आपकी वो खत्म हो जाती है 1.5 की परफेक्ट स्पीड पे देखा, आप परफेक्ट जाए गए सारा क्वेश्चन करने। तो मेजर टाइम लगता है मेरे को क्वेश्चन करने में, हर चैप्टर में ऐसी किया है, 2 घंटा ठीक थ्योरी आपकी वीडियो के साथ मैजिक बुक वाली, उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ द डे वो तो न्यूमेरिकल्स मैजिक प्रॉब्लम्स रिवीजन केस तूने स्टडीज कितनी बार देखा था? साइमल्टेनियसली। मैजिक रिवीजन सर कितनी बार? वही फर्स्ट बारी क्लास, और उसके बाद हर टाइम मैंने मैजिक बुक के रिवीजन के साथ ही करते, चार क्लास के पांच बार साथ भी। साथ ही, मतलब चैप्टर के साथ साथ ही मैजिक रिवीजन हाँ करते रहना हाँ चाहिए। सर एक्चुअली मेरे रेगुलर लेक्चर्स के टाइम पे तो मैजिक बुक आई नहीं थी, बट फास्ट ट्रैक के टाइम पे आ गई थी। जब राइट मैंने राइट फास्ट ट्रैक लिया ना, तो मैजिक बुक मिल गई थी, फास्ट ट्रैक राइट फटाक से देखी, उसके बाद जब खुद रिवाइज करनी है ना थ्योरी उसी क्लास लेने के बाद, तो मैंने मैजिक बुक से कर ली, बिकॉज वो पॉइंटर्स जो है ना वो ही तो हमें दिमाग में रखने हैं, अंदर की वर्डिंग्स हमें दिमाग में नहीं रखने, वो राइट क्रैम राइट करके नहीं चल रहे हैं, तो वो ठीक। बस मैं रीड करता था मल्टीपल टाइम्स। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अपने को कब लास्ट में तूने अटेम्प्ट किया था, बीच में कहीं अटेम्प्ट किया था, क्या स्ट्रैटेजी था केस स्टडी के लिए? सर मैंने हर सब्जेक्ट में ना फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में किया, ओके चलो, तो बिकॉज ये भाई ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई उसमें हाँ टेंशन की बात नहीं है।
हाँ, बिकॉज मेरा ये था, एक तो कंपलसरी क्वेश्चन है, प्लस राइट, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, तो आपका बहुत लेंदी चले जाता है वो क्वेश्चन, करेक्ट तो करेक्ट, मैंने मैंने बस रीड करके छोड़ दिया था, पता चल गया था अपन को इस चैप्टर के अंदर से आया है, हम कर लेंगे अटेम्प्ट। और अगर नहीं भी, अगर आपको आता है ना, तो लास्ट में इतना टाइम लगा के निकाल के चलो कि नहीं आता है तो हम सोच सोच के लिखेंगे, बिकॉज वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, लिखना तो जरूरी है ही है। तो फर्स्ट करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन हमेशा मैंने चूज किया जो मेरा बेस्ट क्वेश्चन है, तो करेक्ट, कॉस्टिंग में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन चूज किया था फर्स्ट वाला, तो बिकॉज मतलब पहले न्यूमेरिकल अपना में 40 मार्क्स सिक्योर कर लो कॉन्फिडेंस दे। हाँ वही, तो मैंने 15 मिनट्स यही करा सब सब्जेक्ट में, कि मैंने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऐसा चूज किया जो मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ फर्स्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी वाला है वो मैंने लास्ट में किया, और उसमें, और ये कॉस्टिंग में मैंने ये भी अप्रोच फॉलो किया, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे हैं ना, लाइक पूरा ही थ्योरी वाला है, वो हाँ बीच में अटेम्प्ट किया, पहले वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है ना, उसमें वो थोड़ा आपका कंफर्ट डेवलप हो करेक्ट जाता है, प्लस करेक्ट टीचर भी अच्छे से प्रेजेंटेशन करेक्ट देख लेता है, उसके करेक्ट बाद आप जाओ कि जिसमें थोड़ा आप स्क्रिबल भी कर रहे हो ना, तो वो करेक्ट, टीचर ज्यादा मार्क्स ना कट करे। तो देख रहे हो बंदी बहुत स्मार्ट है, ठीक है, शी इज प्लेइंग स्मार्ट, मतलब ऐसा एकदम टिपिकल रैंकर जो होते हैं बस पूरे पढ़ाकू पढ़ाकू, ऐसा नहीं है उसका अप्रोच। शी नोज कि भाई स्टार्टिंग में मेरा न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, उसको मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ, बीच में मैंने थियोरी के आंसर को घुसा दिया एंड फिर वापस से फ्लो को सेट कर दिया, सो दैट द एग्जामिनर को भी इतना पता ना चले बीच में क्या थियरी है, एंड वो भी एक फ्लो में आपका चेकिंग हाँ होता है एंड इट वर्क। 76 मार्क्स ऑब्वियसली उसका एक सबूत है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तूने SCMT जैसा इतना लेंदी नवंबर 22 का पेपर 100 मार्क्स किया है, सो आई एम अज्यूमिंग तूने सब पेपर 100 मार्क्स ही अटेम्प्ट किए होंगे। हाँ सर, बस DT में मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, वो भी गार वाला, और वो भी मेरे को याद आया गेट पे पहुंच के, कि यार अपन ने ये, मैं क्वेश्चन एक बारी क्लास से निकलते ही ना कैलकुलेट कर लेता फटाक से, ताकि कार में बैठने के बाद मुझे हॉन्ट ना करे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो मैं गेट तक पहुंचने तक की सारी चीज एक बार देख ली, तो देखा यार गार वाला 4 नंबर का रह गया, बस वो एक 4 नंबर का था जो मेरा रह गया। नो प्रॉब्लम, सो मतलब इन शॉर्ट अगेन अनदर स्ट्रैटेजी, प्लीज 100 मार्क्स अटेम्प्ट करो। ये मैं भी बोलता हूँ, आप लोग मेरा 2-3 साल पुराना वीडियो भी देख लो, आई हाँ ऑलवेज गिव दिस स्ट्रैटेजी कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, क्यों इंस्टीट्यूट को मौका दे अपन यार कि वो काटने के डायरेक्टली लिए मार्क्स कट कर दे अपना, अपन अपना लिख के आए ना सर, एक फिर। और चीज मैं ऐड करूंगा कि ऑलवेज ट्राई कि 1.5 डे में आपका 100% रिवीजन हो, हो जाए, आपको करेक्ट बस वो लास्ट शॉट ही तो देना है, आपकी पूरी 1.5 इयर्स 2 इयर्स की मेहनत लगानी है वो करेक्ट उन दिनों में, उन तो दिनों आप में, रिवीजन करके जाओगे 100%, तभी आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज ICI तो हर जगह से पूछता है यार, चाहे सी कैटेगरी हो करेक्ट चाहे ए कैटेगरी हो, सी कैटेगरी भी आएगी पेपर में। फिर अगर 1.5 डेज में इतना सारा हर सब्जेक्ट में इतना वास्ट पोर्शन है, तो वो फिर मैं स्लीप शेड्यूल कैसे, कितना सोती थी, और वो फिर एंड तक यार DT IDT तक तो एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट। सर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि औरों को मेरे से तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम मिला होगा एग्जाम में, बिकॉज मेरे को 2.5 आवर्स जाना, 2.5 आवर्स आना ऐसा लगता था, ठीक ओ है, माय गॉड, क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर था, बट मैं, अगर मैं इस टाइम पे अपना 100% सिलेबस रिवाइज करके जा सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, बट वो बस आई तभी थिंक अपने होगा पास एक बेंचमार्क है कि यार अगर इसका दिन अगर का, प्लानिंग सही से एग्जाम के कर दिन का लिया। 5 घंटा अगर उसका वो जा रहा है, हाँ मतलब एग्जाम के दिन का तो मेरा 5 मिनट भी जाए तो मतलब ऐसा लगता था यार ऊपर वाले कुछ दे दे, तो हाँ क्योंकि फिनोमिनल ट्रैवलिंग में ना इतनी पढ़ाई भी नहीं हो नहीं हो पाती थी, पाता मेरा वही। सर तो हेडेक हो जाता था, लेकिन मैंने प्लानिंग इस तरीके से ही कर रखी थी स्टार्टिंग से ही, कि अपन का इतना टाइम तो जाएगा, तो हमने प्रिपेयर ही उस तरीके से किया कि इतना ही टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए, और वो करना है सर। कितना आवर स्लीप होता था एग्जाम टाइम पे, एग्जाम टाइम पे भी मैंने 6 to 7 आवर्स लिया है, बट और ये है बाकी का कि चार पांच जो महीने के प्रेपरेशन टाइम है उसमें। उसमें तो सर प्रॉपर 8 to 9 स्लीप लिया है मैंने, रात को अपना 8 आवर्स लेना है, और दिन में भी मैं एक ब्रेक लेता था अपना, भले ही मैं 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर लिया, लाइक ओके नैप ओके ले ली अपना हाफ एन आवर वाला, ओके बिकॉज ओके रिचार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, सुबह अगर मैं 4 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आफ्टरनून या इवनिंग तक आके मैं एग्जॉस्ट हो ही जाऊंगा, तो टेक अ करेक्ट ब्रेक उसमें, और अच्छे से सो, मतलब आधा घंटा में मैं हो जाता हूँ रिचार्ज, उसके बाद वापस से लेके बैठना है, ऐसा नहीं है वन गो में बैठे ही जा रहे हैं, दिमाग ही वर्क नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। बट जो तू बोल रही है कि भाई करते रहो ये कंसिस्टेंटली, चल मैं 1 महीना कर लूँ 1.5 महीना कर लूँ, ऐसे कंसिस्टेंटली 4 से 5 महीना वो कैसे फिर खींच पाती थी एवरी टाइम। सर मैं ना इतना ज्यादा ब्रेक ऐसे कि लाइक 1 महीने में 2-3 दिन का ऐसा ब्रेक हो गया, और एक हफ्ते में मैं ट्यूजडे को आई यूज टू गो टू द टेम्पल इवनिंग टाइम पे, तो ओके जब ओके मैं 7 बजे में अगर जा रहा हूँ तो 8 बजे तक मैंने वापस आना है, उसके बाद मैं रात को नहीं पढ़ता था, वैसे भी डेली मेरा 10 ऐसा है कि मेरे को बेड पे जाना है, तो ठीक है उस दिन मेरा 2 घंटे का ब्रेक हो गया एक हफ्ते में,
इसी तरीके से मेरा मंथली 2 पूरे पूरे दिन के ब्रेक हो जाते थे, तो वही मेरे को ना रिचार्ज कर देता था। ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं आती है, कंटिजेंसीज आती है जब आपको, तो प्लानर भी उसी हिसाब से बनाना है, बट लॉन्ग ब्रेक्स बिल्कुल भी नहीं लिए कि लाइक 3 4 दिन के ट्रिप पे चले गए, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना कनेक्ट छूट जाता है हमारी राइट पढ़ाई से, तो मैंने इसलिए राइट फैमिली फंक्शन भी बीच में मिस किया था। मम्मा वॉज लाइक कि 1 2 दिन की बात है चले जाओ, बट वो 1 2 दिन की बात नहीं होती, स्टार्टिंग की प्रिपरेशन, देन आने के बाद पिक्स एंड ऑल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो हो जाता जाता है। तो है घर से दूर कभी नहीं गया, बट घर पे ही थोड़ा सा ये है कि बाहर निकल गए या वॉक कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली, ये सारी चीजों में मेरे को हो जाता है रिचार्ज। सुपर। सो आई थिंक बहुत अच्छी तरह से उसने अपने को एक एक चीज बता दी है। अब मानसी आगे का क्या प्लान्स है? सो इंटरव्यूज जोर शोर में चालू होंगे अब तो धीरे हाँ धीरे, यस सर, अभी आगे तो का जॉब कोई ही ज्वाइन करनी है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फ्यूचर। बारे में सोच रही है या इन जनरल अभी जहां मिले अपॉर्चुनिटी? सर अभी तो जिस भी डोमेन में मिले मेरे को उसी में एक्सपोजर लेना है, आगे जाके मुझे MBA करना है फॉर श्योर। वाओ ग्रेट देन ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी वेकेशन का क्या प्लान है? अब तो कर सर रहे एक हैं बारी मेरी जॉब सेट ये हो जाए, ये फरवरी एंड तक हो जाएगा, उसके बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है, मैंने अभी तक नहीं किया, इंटरव्यूज वगैरह इन सब में ही चले जा रहा है पूरा टाइम, तो एक अच्छी सी पार्टी थ्रो करनी है एंड देन जाना है ट्रिप पे। चलो ठीक है, हम जरूर आएंगे आपकी पार्टी में। या सर श्योर श्योर। ग्रेट, नहीं अच्छा है। सो एक्चुअली जब तेरा ज्वाइनिंग हो जाए ना, तो वो ज्वाइनिंग का हाँ डेट्स ऐसे ही रखना कि तेरे को बीच में कुछ 10 15 दिन का गैप रहे, एंड बस हाँ हाँ वो वो तो टाइम पे, हाँ चाहिए, वो चाहिए। हाँ वो टाइम पे बस एंजॉय करना, और फिर वहां का व्लॉग भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक हाँ ओके सर श्योर। है ना? अब ये सब व्लॉगिंग और ये सब चीजें देखो, अभी ये सब करने में कितना मजा आएगा उसको। आई मीन वो जो लास्ट 2 ईयर्स का उसने स्टडीज कर लिया है, अब ब्लॉगिंग करना है, अब लिंक्डइन पे वो देखना, उसके हाँ पोस्ट आना चालू हो जाएंगे। सो एक एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता है ये सब अब करने में, बिकॉज एंड नाउ पीपल लुक अप टू यू। सो आप करोगे ना या तो भी लोग देखेंगे भी, ठीक है? तो सो मेरे को खुद दैट्स को ही ऐसी रहता है स्टार्टिंग से कि पहले कुछ कर लो, ट्रू। उसके बाद सारी चीजें करो, बहुत टाइम है अभी सारी चीजें करने के लिए। सुपर यार, मजा आ गया, इंस्पिरेशनल टॉक्स। एंड अपन वापस से भी बात करेंगे जब तेरा जॉब लग जाएगा, जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है, एंड हाँ पोस्ट, ये पोस्ट रैंकर लाइफ कैसी चल रही है। एंड आई एम श्योर यू आर ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स विद योर न्यू थिंग्स। यस यस सर ग्रेट यार, ग्रेट मानसी, टच में रहना। हाँ एंड मैं आप लोग को बता दूं कि इवन ड्यूरिंग हर प्रेपरेशन मेरे पास मानसी के सारे व्हाट्सएप्स पड़े हैं, एंड मैं जब उसका कॉल आया, मैं SFM का लेक्चर ले रहा था, तो मेरे को जो स्टूडेंट्स थे उनका भी कुछ लोगों का रिजल्ट था, तो उन्होंने बोला सर रिजल्ट आ गया, ब्रेक दे दो। मैंने बोला ठीक है, अभी बनता है ब्रेक, और मैं भी थोड़ा एंक्शियस ऑब्वियसली हो ही जाता है। तब मानसी का कॉल हाँ आया एंड आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। शी वॉज लाइक सर AIR 3 आया मेरे को। एंड मानसी के साथ मैं टच में था, तो आई न्यू क्या है क्या नहीं। एंड देन फिर हम लोग ने भी रिकलेक्ट किया सब पुरानी बातों को। या इट वॉज रियली सर नाइस। मेरे को ऐसा ही था कि सबसे पहले मेरे बहुत सारे रिलेटिव सबका कॉल आया था, बट मुझे था पहले सारे टीचर से बात करनी है मुझे, हाँ क्योंकि एक ड्रीम रहता है जब आप प्रिपरेशन करते हो वर्चुअल क्लासेस में कि आप एक बार ही पर्सनली कनेक्ट करो अपने टीचर कनेक्ट के साथ, और रिजल्ट से ज्यादा क्या ही बेटर हो सकता है। हो, सुपर सुपर। चलो ग्रेट मानसी, स्टे इन टच, थैंक्स अ लॉट यस फॉर सर योर इंस्पिरेशनल जर्नी। ऐसे ही इंस्पायर करते रहना थ्रू आउट योर लाइफ, एंड ये जो तेरा डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है, कंटिन्यू करना, एंड इट विल टेक यू टू द हाइट्स अननोन। थैंक यू सर, ऑल थैंक यू बेस्ट सो विशेस विद मच, यू, टेक केयर, थैंक यू सर। हास्ता ला विस्ता।